तो इस टाइम करंट में सिचुएशन में सहूलियत किस कश्मीर को ज्यादा है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें और ओवरऑल सिचुएशन को अगर देखें तो आई थिंक कि जो जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया जिस पे काबज़ है, ठीक है, उसमें फैसिलिटीज़ फैसिलिटेट उसको ज़्यादा किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान कश्मीर जो है आज़ाद कश्मीर। आपने कहा है जो इंडिया काबज़ है, अगर वो काबज़ है तो सहूलियत कैसे हुई? देखें, एक फ्रीली पता है, सारी दुनिया को पता है कि काबज़ है, ठीक है। इधर जैसे कि हम मैं बात करूं कि पाकिस्तान में हम लोग बेसिकली हम भी काबिज हुकूमत के ही अंडर हैं, ठीक है, तो हमें वो सहूलियात वो फैसिलिटीज हमें भी नहीं मिल रही। तो जो कश्मीर जो है वो तो फिर उसको एक आप सुतेला बेटा या सुतेला जो है ना वो रिश्ता दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई फैसिलिटेट नहीं उनको किया जा रहा कोई तालीम के हवाले से या वैसे भी। तो लेकिन क्योंकि इंडिया जो है वो काबज है, हम पूरी दुनिया को पता है काबज है, इस वजह से वो कोशिश कर रहा है कि हम उनके लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि लोगों को पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि हम जो हैं इनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे। ऐसे में कश्मीरियों को फायदा ही हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है। कश्मीरियों को फायदा हो रहा है, आप कश्मीरियों के अंदर जाके देखें, उनसे मिलके देखें, वो ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद या हम पाकिस्तानी हिस्सा बनना चाहते हैं। वो तो उनकी तो शुरू से ख्वाहिश है कि हम अलग से अपनी एक रियासत बनाएं, ठीक है, तो उनको वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस चीज की वजह से ताकि वो जो इंडिया का हिस्सा बना रहे, ठीक है। सर, आज की एक बड़ी न्यूज है कि आईपीएल जो कि 2024 में अब दोबारा होगा, आईपीएल के लिए जम्मू कश्मीर से 10 लड़के सिलेक्ट किए गए हैं जो 2024 में आईपीएल खेलेंगे। सर, आज तक हमने नहीं देखा कि आजाद कश्मीर के लड़के लड़कियों को इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर भेजा गया हो या उनकी इतनी वर्थ हो या उनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट निकला हो जो हम उसको प्रमोट करें, लेकिन आजाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, बच्चे निकलते हैं, यूथ निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, वही बात जो मैंने की है कि आजाद कश्मीर के लोगों को नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा, ठीक है। कहने को तो शार आ गया हमारी है? कहने को हमारी शार आ गया ना। हाँ हाँ, नहीं वो सिर्फ कहने की हद तक है, लफ्जों की हद तक है, अदरवाइज मैं तो ये समझता हूँ कि वो शारक नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है, वो अलग से सारा उनका सिस्टम है और वो चाहते भी नहीं है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने, ठीक है, उनको वो हकूक नहीं मिल रहे जो कि अलग एक रियासत को मिल रहे हैं, उसको एज ए सूबा ही आप समझ लें कि वो सूबे के तौर पर उसको किया जा रहा है। रही बात जम्मू कश्मीर की के जो आईपीएल में सिलेक्ट कर रहे हैं, वो वही बात है कि वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वो दिखाना चाहते हैं कि हम जो है वो काबज नहीं है, हम इनको लेके चल रहे हैं, इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। सर, ये हुआ भी तो आफ्टर 370 आर्टिकल के बाद ना, जब उन्होंने 370 का आर्टिकल हटाया तो उन्होंने कहा कि अब कश्मीर हमारा है, हमारा बच्चा है और हम ही से उस बच्चों की तरह ही पालेंगे। अब देखे ना, उधर हर जगह पे मतलब पूरे श्रीनगर के अंदर G20 मीटिंग हुई तो श्रीनगर के अंदर उन्हें स्मार्ट सिटी कहा जाता है, हर तरह की टेक्नोलॉजी वहां पे, इवन के जब बॉर्डर है हमारा वो LOC का जम्मू कश्मीर और इंडिया का, वहां पे उनके टावर है, हमारे टावर भी नहीं है वहां पर, मतलब हर चीज की सहूलत है तो यहाँ पर उस तरह से नहीं है, इवन के स्कूल और कॉलेजेस भी नजर आते हैं पर नहीं है। तो सर, ये सब कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तो कहूंगा, देखें ये सारी बातों का जो है ना इसको समराइज किया जाए तो ये है कि पहले इन चीजों को सामने रखते हुए आप जो है ना पहले पाकिस्तान के लिए तो कुछ करें ना, बाद में आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की हम बात करें। अभी तो पाकिस्तान इतना पीछे चला गया कि आप 50 साल तक इसके लिए कोशिश करें तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां पर इंडिया पहुंच गया। ये जो एक बहुत बड़ा ट्रुथ है, ठीक है, कि इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है। बेसिकली जो हमारे इधर पॉलिटिशियन हैं उनका भी कसूर है और हम आवाम का भी कसूर है जो हम इनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई कैलिपर नहीं देखते, कोई कुछ नहीं देखते, तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए, हम बहुत पीछे हैं, ठीक है, और इंडिया हमसे बहुत आगे है और ये बहुत बड़ा सच है। सर, बीइंग अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि 370 से पहले ज्यादा सही था या 370 के बाद सही है ज्यादा? क्या चीज है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर वैसे देखें 370 की आप बात कर रही है ना, ठीक है, वो उसमें भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का बड़ा हाथ है, ठीक है, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई इस हवाले से। मीडिया पे बड़ा शोर मचता रहा है जी, आज इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, अदरवाइज जो है ना वो कोई इस पे ना किसी बड़े फोरम पे जाके इसको हाईलाइट नहीं इतना किया गया। हमें इतनी पावर ताकत है कि कोई हमारी सुनेगा? बिल्कुल नहीं है। वो देखे ना कि हम मकरूज हैं और मकरूज जो मुल्क होते हैं वो अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकते, तो ये मजबूरी, तो मकरूज करने वाले कौन है? हम खुद ही है ना अपने आप को मकरूज करने वाले, तो सारी बात है फिर यही कुछ होगा ना। तो हम तो
ये नहीं कह सकते कि जनाब इंडिया काबिज है जम्मू कश्मीर पे, और ये हम भी एक हिसाब से आजाद कश्मीर पे काबिज ही है, ठीक है, जब करना ही कुछ नहीं है, पाकिस्तान पे काबिज है हम लोग। हाँ लेकिन वहाँ का डैम की बिजली वहाँ बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें फिर भी पैसों की मिलती है। हाँ। तो ऐसी बिजली ऐसी चीजों का क्या फायदा जब उन्हें हम वो उनका पता क्या आजाद कश्मीरों का नारा है अब कि आजाद कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, पहले वो कहते थे पाकिस्तान। हाँ। कुछ ना कुछ हुआ तो आजाद कश्मीर खुद मुख्तारी की तरफ चला गया पाकिस्तान से हटके। उनको नजर आ रहा है ना, देखें कि जो पाकिस्तानी अवाम है ना, बेसिकली आजादी हमें चाहिए, उनको नहीं चाहिए। अगर हम गौर से इस चीज को देखें, आजादी हमें चाहिए, उनको नहीं चाहिए, ठीक है। जो हाल इस मुल्क का कर दिया हुआ है तो वो क्यों चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ इसका पैचअप हो? वो तो चाहेंगे कि हम अलग से इस रियासत बने और हमें वो सारे हकूक मिले। उनका दिमाग खराब है कि वो इस मुल्क में इस तरह हमारी तरह जलील हो। सही बात है, सही बात। और आज हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो तो हम कहते रहेंगे। देखें सच में चाहते हैं या नारा ही है बस बहकाने के लिए? नहीं नहीं, बहकाने के लिए। हाँ टू बी ऑनेस्ट, ये बहकाने के लिए है, अदरवाइज इसमें कोई सदाकत नहीं है। सही बात है, वरना 76 ईयर हो गए, हल तो हो ही जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, हल ये देखे पाकिस्तान का जो हल हो गया पाकिस्तान का हाल अहवाल ही बिगड़ गया। चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिये हम समझते हैं कि जो हमारा आजाद कश्मीर है वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी वही सहूलतें हासिल होनी चाहिए जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के बच्चों को हासिल है, और वो जो यहाँ के बच्चे हैं इनमें टैलेंट ज़्यादा है, और ये बच्चे जो हैं ये उनके से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और हमें हमारी ये बीएंगे पाकिस्तानी ये ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कश्मीरी जो हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के बच्चे रह रहे हैं, हमें जम्मू कश्मीर से ज़्यादा इनको, अपने पाकिस्तानी से ज़्यादा इनको प्रमोट करना चाहिए ताकि ये इनको महसूस हो कि हम कश्मीरी जो है वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले बच्चों से ज्यादा पाकिस्तान के साथ, ये इनकी वफादारी जो है वो पाकिस्तानी से ज्यादा बढ़ के साबित हो। अच्छा। ताकि जो है आइंदा ये बच्चे जो है पाकिस्तान के साथ ज्यादा अपनी कमिटमेंट शो करें बजाय इसके कि ये उस तरफ देखना शुरू कर दे। सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि उस तरफ देखना शुरू कर दे। मैं जम्मू कश्मीर दो दफा दौड़ा करके आई हूँ, विजिट करके आई हूँ अपने आजाद कश्मीर में। उधर के बच्चे, वहाँ के यूथ और वहाँ के लोगों की ये राय है कि हमें आज तक पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, जम्मू कश्मीर में तो हर चीज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हमें नजर आता है, हर चीज वहाँ पर मौजूद है। सर मुझे बताइएगा, कहने को हम कहते हैं आजाद कश्मीर आजाद है और हमारे साथ हम बहुत प्यार करते हैं, हमारी शाहरग है, अगर देखें तो शाहरग के साथ इतना बुरा सलूक है, वहां पे हर चीज हम उनकी ले रहे हैं लेकिन उनको रिटर्न में हम उनको कुछ भी सहूलत नहीं दे रहे। अगर हम इंडिया की कश्मीर की बात करें 370 आर्टिकल के बाद, उधर हर चीज बदल के रख दिया है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट जा रही है। सर क्या वजूहत है कि हम कहते हैं कि आजाद कश्मीर आजाद है लेकिन हमें कुछ और नजर आता है? देखिए हमने इसमें ये है कि हमें जो हमारी कुछ वीकनेस है, हम अगर अपने पाकिस्तान में भी देखें तो ह्यूमन राइट्स की जो वीकनेस नजर आ रही है वो वीकनेस ऑब्वियसली जो है ना वो कश्मीर में भी नज़र आ रही है। हमें जो है ना ये बोथ साइड पर, कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी, ये जो वीकनेस है ह्यूमन राइट्स के हवाले से इसको जो है वो फुलफिल करना चाहिए। आप समझते हैं जम्मू कश्मीर खुश है और वहाँ पर ज्यादा सहूलियात हैं? जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो जो, और जो आज़ाद कश्मीर के हैं उनमें जो एक सेंस पाया जाता है वो भी, हम इसी तरह के जो थाट्स है वो हम जैसे कि बलोचिस्तान में भी बच्चों के दिन में पाई जाती है। इसको हमें जो है बीइंग ए पाकिस्तानी ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको ओवरकम किया जाए ताकि वो, मेरा सवाल ये था कि आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर खुश है और वहाँ ज्यादा सहूलियात है? नहीं, हम तो ये समझते हैं कि जो यहाँ पर जो कश्मीरी है वो भी खुश है। अच्छा। हाँ वो भी है, खुशी नजर क्यों नहीं आती? वो खुशी नजर इसलिए नहीं आती कि उनका जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो हमारे सामने नहीं आता, कुछ ना कुछ चीजें सामने आती है सारी चीजें। इस टाइम कौन सा नारा लग रहा है आजाद कश्मीर के अंदर लग रहा है? पहले कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कुछ ऐसा हुआ है तो वो कह रहे हैं ना कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, वरना तो ना कहते। देखिए ये अक्सरियत नहीं है इस बात की, अगर हम अक्सरियत कश्मीर की देखें तो वो आज भी वो पाकिस्तान के साथ ही प्यार करते हैं। अच्छा। वो पाकिस्तान के साथ ही रहना पसंद करते हैं और वो जम्मू कश्मीर वो चाहते हैं कि वो कश्मीर भी जो है इस कश्मीर के साथ आ जाए। हाँ उन दोनों की अगर देखा जाए तो एक उनकी है कि इस तरह साबे राय होना चाहिए और सारा कश्मीर जो है वो एक स्टेट बननी चाहिए। क्या वो वाला जम्मू कश्मीर आना चाहता है पाकिस्तान के पास? देखिए बात जो है ना, जम्मू कश्मीर इधर का कश्मीर है या उधर का कश्मीर है, उन दोनों की जो पब्लिक राय है वो यही है कि वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं बोथ साइड जो है। अब जो है अब ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों का इशू है कि ये आप तीसरा जो इनका स्टेक होल्डर है वो कश्मीर है। लेकिन ज्यादा सहूलियत कहाँ पे है, यहाँ पे है या वहाँ पे है? अब देखिए मसला ये है कि जो
वहाँ पर जो है वो पहले तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती रही वो तो यही थी कि वहाँ पर सहूलियात कम है, यहाँ पर ज्यादा है। अब जो है अब कुछ थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो उसमें कुछ फर्क आता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा सर। आखिरी सवाल आपसे पूछती जाती हूँ, मुझे बताएगा आपने कहा वहाँ की सहूलियात बदल गई हैं, ये बदली किसने है, कौन सी गवर्नमेंट ने बदली और क्या अपना हिस्सा मान चुके हैं वो या फिर कोई और वजह है? हम ये समझते कि ये सूरत हाल अभी बदल चुकी है। अभी तो सूरत हाल जो है वो ऐसे स्टेगनेंसी में चल रही है और जो इधर के कश्मीर के बच्चे हैं उनमें ये सेंस आ रही है जिसको जो है ना वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको प्रमोट करें ताकि वो उनका जो रिलेशन है। जम्मू कश्मीर में सहूलियत नहीं बदली, वहाँ पे सहूलियत नहीं आई, वहाँ पर हर चीज की उन्होंने सहूलियत नहीं दी। लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल इस वक्त आ रही है सामने वो ये है कि वहाँ पर जो उनके राइट्स थे कश्मीरी राइट्स के, कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, अब उन्होंने उसको अमलगमेट कर लिया इंडिया के साथ, वो जो है वो कश्मीरियों के लिए। हमने तो कभी तक आज़ाद कश्मीर को अपने साथ मल्कमेंट नहीं किया, तो उन्होंने कर लिया है, तो वो जो है वो उनके लिए अच्छा नहीं है। उनकी जो स्ट्रगल है पिछले 70 साल से जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए कश्मीर, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा। अच्छा सर, आज़ाद कश्मीर में कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही है आपको पता है? देखिए आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो है तो मुस्लिम गवर्नमेंट से है। सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं, आज़ाद कश्मीर, इस आज़ाद कश्मीर में तो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट रूल कर रही है, उधर इंडिया की गवर्नमेंट रूल कर रही है। आप देखे ना, आपने खुद बोल दिया कि यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो सर हमने फिर उनको आज़ादी किस चीज़ की दी? हर चीज़ तो वहाँ पे पाकिस्तान करता है, हर चीज़ के लिए तो पाकिस्तान के वो मोहताज हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि फिर वो आज़ाद है? मुझे बता दें, आपने कहा कि वो तो आज़ाद है, हमने उनको अपने साथ मर्ज नहीं किया ना, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों रूल कर रही है वहाँ? बात ये है कि ये बोथ स्टेट्स के दरमियान एक ऐसा बर्निंग इशू है जो पिछले 70 साल से चल रहा है। अब इसमें मेन स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान कश्मीर की आवाम है जो इस तस्वीर राय चाहते हैं। अब यहाँ पर इंडिया को भी, इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी, ये दोनों स्टेट्स मिलके और कश्मीरियों को साथ बिठा के उनका जो हक है उनको दिलाएं ताकि वो जो भी अकवामी इत्तेहाद की करारदादें हैं, इस तस्वीर राय जो आज से 40 साल 50 साल पहले की जो करारदादें यूनाइटेड नेशन में हैं उसके मुताबिक फैसला हो, किधर वो कश्मीरी जो फैसला करना चाहते हैं ये उन पर छोड़ना चाहिए। अब ये है कि कश्मीर अगर चंद उन्होंने सहूलतें दे दी हैं तो वो आवाम जो है वो ये समझेगी कि आज हमें सहूलतें मिल गई और हम इंडिया के साथ ठीक है, ये जो है इन्हें आज अगर हम सहूलतें देना शुरू कर दें तो ये कहेंगे कि जनाब हम इधर सही हैं। बेसिकली तो इनकी खुशी तो यही होगी कि हम दोनों जो है इन दोनों को ये एक